नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। हम में से कई लोग भोजन को पचाने और कैलोरी बर्न करने के लिए खाना खाने के तुरंत बाद टहलने लगते हैं, लेकिन कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक ये सबसे अच्छा अभ्यास नहीं हो सकता, क्योंकि इससे हमारी पाचन क्रिया प्रभावित होती है। एक्सपर्ट्स की माने तो हम सभी को भोजन के तुरंत बाद ही वॉक को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि डाइजेशन के प्रोसेस से हमारी एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है। आपको भोजन के बाद वज्रासन में बैठने की सलाह दी जाती है। विशेषज्ञों की माने तो खाना खाने के बाद व्यक्ति को केवल आराम करना चाहिए और ऐसा कुछ भी ना करें जिससे कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगे। बता दें कि खाने के तुरंत बाद टहलने से हमारा डाइजेशन सिस्टम इस तरह से प्रभावित होता है कि हमें एसिड रिफ्लेक्स यानी कि पेट खराब की समस्या भी हो सकती है। वहीं भोजन के तुरंत बाद टहलने की बजाय वज्रासन या वज्र मुद्दा में बैठें, या फिर आप चाहें तो अपनी बाई ओर लेटकर आराम कर सकते हैं, क्योंकि इससे भी हमें भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद मिलती है। वहीं कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भोजन के बाद धीरे धीरे वॉक करने से कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं, लेकिन ज़्यादा जटिल व्यायाम की सिफारिश नहीं की जाती। इसकी वजह यह है कि जैसे ही कोई व्यक्ति भोजन शुरू करता है, पाचन की क्रिया मुंह में शुरू हो जाती है और बाद में घंटों तक जारी रहती है। इसलिए तीव्र जटिल व्यायाम डाइजेस्ट सिस्टम के लिए जोखिम का कारण बन सकता है। वहीं रोग नियंत्रण केंद्र यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल दिन में किसी भी वक्त 30 मिनट चलने की सलाह देता है। कोई भी ब्रिस्क वॉक यानी तेज चलने की बजाय भोजन के बाद धीमे धीमे टहल सकते हैं। हर एक मील के 30 मिनट बाद ही चलने की सलाह देता है। फिर भी अगर आप चाहें तो भोजन के बाद चलने से पहले डॉक्टर या फिटनेस विशेषज्ञ से बात करना एक अच्छा विचार होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।